बहुत स्वागत है दैनिक लव रिलेशन राशिफल में। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित तिवारी एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हो चुका हूं आपके दैनिक राशिफल को लेकर। आज हम बात करेंगे 18 अगस्त 2022 के दैनिक राशि फल के विषय में। आज का पूरा दिन मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, जीवन में क्या शुभ घटने वाला है, क्या अशुभ घटने वाला है। हम यहां पर बात करेंगे आपके लव रिलेशन के बारे में, मैरिड लाइफ के विषय में, आपके बिजनेस के विषय में। तो आप फटाफट से वीडियो को आखिरी तक देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं मेष राशि से, और मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का जो दिन लव रिलेशन के विषय में लेकर आया है, मैं आपको बता देता हूं। आपको अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर किसी भी बात को लेकर गुस्सा नहीं करना है, अपने लव मेट के साथ गुस्सा नहीं करना है। आपको किसी भी बात को लेकर चीखने चिल्लाने की आज आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आपका जो लव मेट है, आपका जो लवर है, आज थोड़ा सा आपको कम समय दे पाए, आपकी उससे बात ना हो पाए, आप उससे ना मिल पाए, तो इस बात को लेकर उस पर गुस्सा करने की बजाय यदि आप अपने रिलेशन को बेहतर रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। यदि आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपकी कि जो लाइफ पार्टनर है अपने बच्चों की स्टडी को लेकर आज थोड़ा सा बिजी रह सकती हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप अपने जीवन साथी से जो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं, वैवाहिक जीवन में कुछ उदासी से आपका सामना हो सकता है। आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर आज थोड़ी चिंता में रह सकते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। समय के साथ सभी चीजों में परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम बात करें आपके बिजनेस की या सफलता के विषय में, तो वास्तविक स्थिति यही है कि आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि वक्त ही पैसा है। आपको अपनी क्षमताओं को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अपनी संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन की क्षमता को बहुत प्रभावशाली बनाएं। आपको कार्य करने की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप आगे हम बात करते हैं वृषभ राशि के विषय में। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज जो आपकी लव लाइफ है उसमें आपका मूड थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। हो सकता है कि आप इस चीज पर बहुत ज्यादा विचार करने लग जाएं कि आपका जो पार्टनर है, आपका लव मेट आपसे सच में प्यार करता है या नहीं करता है। इस चीज को लेकर मन में कुछ शंकाएं आज आपके बहुत तेज चलती रहेंगी और आज का दिन इसी चीज को सोचने में आपका व्यतीत हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपका जो लव मेट है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, वो आपके लिए आज कुछ खास करने वाला है। आज आपको कुछ सरप्राइज मिल सकता है। हो सकता है कि आपके लिए कोई स्पेशल खाने पीने की चीज वो आपके लिए लेकर आ सकता है, या आज आपके मूड के अनुसार आपके लिए कुछ भी कर सकता है। तो आज का जो दिन है, दिन के आखिरी में शाम के समय आपको कुछ थोड़ा सा सरप्राइज मिलने वाला है। यदि आपकी मैरिड लाइफ है और मैरिड लाइफ में पिछले समय में धन को लेकर यदि आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो आज उस पैसे की समस्या को लेकर उसका निदान निकल जाएगा, आज समझौता हो जाएगा और आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी बढ़िया होने लग जाएगी और जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सभी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। उसी के साथ साथ आज आपको अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को उधार नहीं देना है जिसके पास आपका पहले से उधार बाकी है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है, घर में किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है जिसके कारण आप आज परेशान हो सकते हैं। आज आपका भाग्य साथ जरूर देगा। जो चीज़ें आपकी दिक्कत दे रही थी, जिन काम में आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो काम आज आसानी से आपके बन सकते हैं और आपको किसी पुराने काम के कारण आज तारीफ सुनने को जरूर मिल सकती है। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। आज आपकी जो लव लाइफ है, लव लाइफ के विषय में आज एक थोड़ी सी चिंता की बात है। आज आपका लव मेट या लाइफ पार्टनर आपसे मिलने के लिए कहेगा और किसी अच्छी जगह पर घूमने जाने के लिए कह सकता है, शायद रोमांस के लिए आप पर दबाव बनाए। लेकिन आज का दिन आपके कार्य की इतनी व्यस्तताओं के कारण आज आप अपने लव मेट को शायद समय नहीं दे पाए, तो इसके कारण आपकी लव लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकती है। आपका जो जीवन साथी है या आपकी जो आपका जो लवर है, कहीं ना कहीं आज वो
कुछ अच्छे मूड में रहने वाला है, उसका आकर्षक अंदाज आज आपको अपनी तरफ खींच सकता है। आज उनका जो श्रृंगार है या उनके जो कपड़े हैं और उनका जो लुक है आज आपको काफी प्रभावित कर सकता है, और इसी के कारण आपका लव मेट या आपका पार्टनर आपसे कह सकता है कि किसी रोमांटिक जगह पर जाने के लिए, लेकिन आप अपने कार्य को छोड़कर आज नहीं जा पाएंगे। इसके कारण थोड़ा सा झगड़ा या विवाद हो सकता है। लेकिन वहीं हम बात करें अगर आपके बिजनेस और कैरियर के विषय में, तो आप आशावादी बने और उजाले पक्ष को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं और आशाओं को जरूर पूरा करेगा। आपको कई स्रोतों से आर्थिक लाभ, धन का लाभ होते नजर आ रहा है, तो आज का दिन इस मामले में तो आपका ठीक है। आप अपने कार्य पर ही ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की, आज का दिन लव के मामले में आपके लिए कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत खुशी से भरा हुआ दिन है और आज पूरा दिन आपका मन खुशी से उतावला रहने वाला है। आज आपके मन में विचार आएगा कि आप अपने लव मेट को, अपने लाइफ पार्टनर को क्या सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं। उसके खुशी के लिए आज आप कुछ ना कुछ जरूर प्लान करेंगे, एकदम से उसे अचंभित कर देंगे और आपका प्यार उसके लिए और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आज पूरा दिन आप अपने लव पार्टनर को याद करते हुए ही व्यतीत कर दें। यदि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं तभी भी काम में, तो आपका मन लगने वाला है नहीं, आप अपने लव मेट को ही बहुत ज्यादा याद करने वाले हैं और आज आप उसे खुश करने के लिए लगातार कुछ ना कुछ चीजें सोचते ही रहेंगे, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करें आपके बिजनेस के विषय में, तो आज का पूरा दिन आपको कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित कर रहा है। आज यदि आप मेहनत करेंगे तो आज आपको अपने किसी भी कार्य में जो बहुत समय से रुक रहा है उसमें आज आपको सफलता मिल जाएगी। अपने काम को कल पर ना टालें, यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में समस्याएं और परेशानियां आपके रहने वाली हैं। आपके आसपास के लोग आप दोनों के बीच मतभेद पैदा करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे, मतभेद पैदा कर दे, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अतः बाहरी लोगों के बहकावे में आकर अपने रिलेशन को खराब करने की आवश्यकता नहीं है। धन के मामले में आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं से आज आपको धन का लाभ हो ही जाएगा। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की, आज हो सकता है कि आपका लव मैट, आपका लाइफ पार्टनर किसी बात के लिए आपसे जिद पर अड़ सकता है और उसकी जिद के कारण आज आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो लव मैट है किसी बात को लेकर आपके पीछे लगा ही रहेगा, जिसके कारण स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो आपको लड़ने झगड़ने की अपेक्षा प्यार से पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है। जीवन साथी का सख्त रुख आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है आज उसका गुस्सैल स्वभाव आपको झेलना पड़े, जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आज आप अपने आप को असहज महसूस करेंगे, बंधा हुआ महसूस करेंगे, कुछ मजबूरी में पाएंगे, लेकिन आपको आज के लिए मैं सलाह दूंगा कि आज आप अपने लव मेट या लाइफ पार्टनर से थोड़े समय के लिए दूरी जरूर बना लें। इससे अच्छा होगा कि आप दोनों के बीच में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और इसकी अपेक्षा आप धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि की तरफ थोड़ा सा चले जाएं। अर्थात आपको आज किसी एकांत स्थान में बैठकर मेडिटेशन या ध्यान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो आपके दिमाग को संतुलित करेगा। वहीं आज बिजनेस के मामले में आपका दिन अच्छा रहने वाला है। यदि आप व्यापार करते हैं या जॉब कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, बिजनेस के मामले में काफी प्रॉफिट रहेगा। अचानक धन की आवाजाही आपके लिए आज बनी रह सकती है। लोगों को वक्त देने से अच्छा है कि आप अपने कार्य में थोड़ा सा व्यस्त हो जाएं, तो बहुत बेहतरीन रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए, तो लव लाइफ में आज का जो दिन है आपके लिए थोड़ा संघर्ष भरा हो सकता है। आज आप अपने लव मेट की किसी भी तरीके से बुराई ना करें, उसकी आलोचना ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आज संभव आपका रिश्ता खत्म हो सकता है। इसी के साथ साथ आज मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने लव मेट के साथ शाम के समय किसी जगह पर घूमने चले जाइए। इससे आपको प्यार का वास्तविक अनुभव हो जाएगा, आप दोनों के बीच में रिलेशन और भी बेटर हो जाएगा और आप परेशानियों से बच सकते हैं। वहीं मैरिड लाइफ के विषय में अगर मैं आज आपको बताऊं, तो सुख के दृष्टिकोण से आपको आज
कुछ अनोखा उपहार मिल सकता है, लेकिन यदि आप आलोचना करेंगे अपने लव मेट की या अपने लाइफ पार्टनर की, तो दिन आज आपका बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि आज आप किसी की भी बुराई ना करें, क्योंकि आलोचना करने की आदत नुकसान दे सकती है। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को आज धन की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन बीते दिनों में किए गए फिजूल खर्च के कारण आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा, जिसके कारण आप अपने बिजनेस में थोड़ी सी गिरावट आज महसूस करेंगे, क्योंकि आज आपको पैसे की सख्त आवश्यकता है और आज के ही दिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। आज का दिन आपके लिए वैसे अच्छा रहने वाला है, लेकिन यदि आपका लव मैट या आपका लाइफ पार्टनर आपसे कुछ कह रहा है, तो उसकी बातों को आपको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, उसकी बातों को समझने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अपने जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को अगर नज़रअंदाज करेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है, इसके कारण रिश्ते पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको परेशानी देने वाला नज़र नहीं आ रहा है। आज की आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी निकलने वाली है। अपने प्रिय की बेवजह की मांग पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है, कहीं उसकी मांग के कारण या फिर उसकी जो जिद है उसके कारण आपको कोई नुकसान ना उठाना पड़ जाए, तो इस बात को समझ कर आपको आगे चलना है। उसी के साथ साथ यदि आज आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, तो पैसा सोच समझ कर खर्च करें, धन की हानि आपको होगी। पारिवारिक समारोह में कोई नए दोस्त बन सकते हैं। यदि आप पहले से सिंगल हैं, तो हो सकता है कि आपको आज अपना लव मेट मिल सकता है, लेकिन आपको किसी पर विश्वास करने से पहले जांच परख कर लेना चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। आज का दिन भाई लव रिलेशन के लिए आपके लिए बहुत जबरदस्त रहने वाला है। आज के दिन आप अपने लव मैट से या अपने लवर से मिल सकते हैं, और उसी के साथ साथ आज रोमांस आपके दिल और दिमाग पर बिल्कुल छाया रहेगा। यदि पिछले समय से मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज सक्सेस आपको मिल सकती है। आज आपका जो लव मैट है या लाइफ पार्टनर है, बिना कुछ बताए ऐसा कुछ कर सकता है जो लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और आपका प्यार उसके लिए बहुत ज़्यादा आज बढ़ने वाला है। तो आज का दिन लव और रोमांस के मामले में तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन रहा है। आज कुछ मामलों में आपको बचने की आवश्यकता है। यदि आप बिना सोचे समझे यदि कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको संभलने की आज ज़रूरत है, कहीं उसके कारण आपके बिजनेस पर उसका बुरा असर ना पड़ जाए, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों की। आज की जो आपकी लव लाइफ है, बहुत हंसी और खुशी के साथ निकलने वाली है। आपका पूरा दिन अपने लव मेट या लाइफ पार्टनर के साथ बात करने में निकल सकता है, और उसमें भी आप अपने पारिवारिक विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को मैरिज लाइफ में बदलने की, तो आज आप अपने मन की सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, और वहीं आप इस विषय पर भी विचार कर सकते हैं कि परिवार के लिए आपका रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है, या फिर कोई प्रॉब्लम्स आपकी लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलने में आएगी, इस विषय पर भी आज आप पूरा दिन बात कर सकते हैं। और यदि आप मैरिड हैं, तो समझ लीजिए कि आज का दिन बहुत हंसी और खुशी के साथ आपके लव पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका व्यतीत होने वाला है। लेकिन बिजनेस के विषय में मैं आज आपको बता दूं, आप कुछ ख्याली पुलाव पका सकते हैं। हो सकता है कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप दिमाग में नए नए आइडियाज लेकर आ सकते हैं, तो आपको अपनी कल्पनाओं से ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप फ्रंट पर आकर कार्य करते रहिए, मेहनत करते रहिए, इसमें बहुत जल्द आपको सफलता मिल सकती है। बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की। आज आपकी लव लाइफ थोड़ी सी परेशानियों में नजर आ रही है। आज हो सकता है कि आपके लव मेट का या लाइफ पार्टनर का कुछ पारिवारिक मसला हो जाए, कुछ पारिवारिक झगड़ा हो जाए, जिसके कारण आज उनका मूड खराब रहे, और उस खराब मूड को आज आपको झेलना पड़ सकता है। तो ये आज दिख रहा है, बेवजह आपको आज आपका जो है पार्टनर तंग कर सकता है और किसी और का गुस्सा आज आप पर निकाल सकता है, तो आज अपने लव मेट के गुस्से को झेलने के लिए आप थोड़ा सा तैयार रहिए। वहीं आज
आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि आपके लव रिलेशन के कारण आपके लाइफ पार्टनर को थोड़ी सी, आपके लव पार्टनर को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण पारिवारिक झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए हैं। तो इसमें इस कारण वो आपसे कुछ दूरी भी आपसे बना सकता है। वहीं बिजनेस को लेकर अगर मैं आपको बताऊं तो आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जो लोग आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है, मस्तिष्क जीवन का द्वार है, क्योंकि अच्छा या बुरा सब कुछ इसी के माध्यम से होता है। तो आज आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा नियंत्रित रखकर अपने बिजनेस पर मन लगाना है, और यदि आप मन लगाकर कार्य करेंगे तो सक्सेस आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। आज आपको आर्थिक दृष्टिकोण से पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी और वो धन आप अपने बिजनेस में खर्च करने वाले हैं। बात करते हैं कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि वाले जातकों, आज आपकी लव लाइफ तो बहुत ज्यादा बेटर रहने वाली है। आपके दोनों हाथों में लड्डू और सर आपका चाशनी की कढ़ाई में रहने वाला। आज पूरा दिन आप अपने लव मैट से प्यार और रोमांस भरी बातें कर सकते हैं। यदि आप मैरिड हैं तो आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अधिक रोमांस करने वाले हैं, और आज का ये रोमांस गर्मजोशी के साथ बहुत दूर तक जाने वाला है। जो आपके हर एक अंग में आज रोमांस का जो प्रवाह हो रहा है, रोमांस की जो नदियां बह रही हैं, आज वह सभी उफान पर रहने वाली हैं, और इसी के कारण आज आपकी जो लव लाइफ है वो आज आप खुलकर जीने वाले हैं, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन बिजनेस के विषय में मैं आज आपको बता दूं, आज व्यापार के मामले में आप थोड़ा सोच समझ कर खर्च करें। यदि जमीन या किसी प्रॉपर्टी में निवेश आप करना चाहते हैं तो आपके लिए घातक हो सकता है। जितना हो सके इन चीजों में निवेश करने से आज आपको बचना चाहिए। बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के विषय में। तो भाई आज आपकी जो लव लाइफ है थोड़ी सी संकट में रहने वाली है। आपकी कुछ पुरानी बातों के कारण या पुराने अफेयर्स को लेकर आपका लव मैट या आपका लाइफ पार्टनर आपसे बेवजह आज झगड़ा करना चाहता है। बिना कारण आज झगड़े की स्थिति आपके साथ निर्मित होने वाली है, या हो सकता है कि कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिसके कारण आपका लव मैट आपसे झगड़ा करने लग जाए। वहीं यदि आप मैरिड हैं और आप अपने लाइफ पार्टनर के कार्य में आज अगर हेल्प नहीं कर सकते हैं तो उसका असर आपको देखने को जरूर मिल सकता है। आपका लाइफ पार्टनर आपसे आज झगड़ा कर सकता है और उसकी बात ना मानने पर आप दोनों के बीच बहुत तीखी नोकझोंक हो सकती है। लेकिन यदि सिंगल हैं और लव अफेयर है आपका, तो हो सकता है कि आपके पुराने किसी रिलेशन को लेकर आपका लव मैट आपसे बहुत ज़्यादा झगड़ा कर ले, और उसके कारण हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आपकी बात भी ना हो पाए। तो इस चीज़ को आपको दिमाग से निपटाना चाहिए और बेवजह आपको झगड़े से बचना चाहिए। और आज के दिन के महा उपाय के विषय में आज हम बात कर लेते हैं। मैं आज आपके लिए एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स को दूर करके आपके लव को, रोमांस को, आपके बिजनेस व्यापार को, आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को ग्रोथ देने वाला है। तो चलिए उस उपाय को आज सुन लीजिए। आज का जो स्पेशल उपाय है वह उपाय यह है कि आपको श्री गणेश जी महाराज को, जी हाँ गणेश जी महाराज को आज दूर्वा अर्पित करनी है, और साथ ही साथ केसर और पिस्ते का यदि आप गणेश जी को नैवेद्य लगाते हैं तो आज आपकी लाइफ में गणेश जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले होंगे। जिस कामना के साथ आज आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएंगे और यदि केसर और पिस्ते का नैवेद्य लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही प्रतिदिन राशिफल प्राप्त होता रहता है। हर हर महादेव।